तो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हट के थिंकर ब्लॉग की एक नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां का मौसम देखिए, आज धूप हुई है। पिछले 3 दिनों से यहां पे कोई धूप ऊप नहीं थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी 2-3 दिनों से। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे कि आप लोग देखते होंगे इंडिया में बहुत सारे सवाल बनते हैं कि अरब कंट्री में पेट्रोल या डीजल का प्राइस क्या चल रहा है, कैसे है, कितना सस्ता है। कई लोग तो कहते हैं पानी से भी सस्ता यहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे भी कि क्या रेट चल रहा है यहाँ पेट्रोल, क्या वाकई में कितना सस्ता है, कितना महंगा है, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे 2 काम और वो चल के हम गाड़ी में बताते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और खड़े होने में भी एक तरह से दिक्कत हो रही है। वही वायरल सर्दी जुकाम वाला सिस्टम है। 2-3 दिन तो मैंने इसी तरह मैनेज किया कि मैं सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने से ठीक नहीं हो रहा है। तो अब मैं दवा लेने जाऊंगा और चलिए आगे की बात गाड़ी में बैठ के करते हैं। तो कल रात में मैं एक रिमोट लेके आया अपने टीवी का, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है ये, जो कि काम नहीं कर रहा है मेरे टीवी में। और मेरा पुराना रिमोट था ये, मैं उसको दिखा के लाया था तो वो बोला कि नहीं ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपना रिमोट रिटर्न करूंगा, उसके बाद अपनी दवा लूंगा। दवा लेने के बाद तो फिर आपको चलूंगा पेट्रोल पंप पे लेकर और सब कुछ आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दूंगा। आपको इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करके बताऊँगा कि हाँ, क्या वाकई में यहाँ पर पानी से भी सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं घर से निकल चुका हूँ, जो जा रहा हूँ मार्केट और ये अपना रिमोट सबसे पहले चेंज करूँगा, जो मेरा पुराना वाला है सेम वही दूँगा। कहूँगा भाई मुझे दूसरा नहीं चाहिए, वही दो, क्योंकि एक तो मार्केट जो है 12-13 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेकर आया था, फिर वहाँ पर जाना पड़ रहा था रिमोट के लिए। तो चेंज करके मैं रिमोट लेके आऊँगा। आई होप ये नया रिमोट काम करे सही से। अब टीवी तो लेके जा नहीं सकता हूँ वहाँ शॉप पे चेक करने के लिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे दौड़ना पड़ा दोबारा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, इसकी जरा भी ना करिएगा। तो चलिए मिलते हैं शॉप पर। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए यहाँ पे कुवैत से संबंधित, कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों में मैं यहाँ पर टूर भी करने वाला हूँ, तो आप लोग को आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो फेमस जगहें हैं कुवैत की, वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊँगा और आप लोग भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्दी मुझे टाइम मिलेगा और मैं कुवैत सोच रहा हूँ पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए हैं शॉप पर, ट्रेंड शॉप पर, जहाँ से मुझे रिमोट लेना है। और पता बोला भी हुआ था, ये कल रात में मैं ले गया था, काम नहीं कर रहा उस चीज़ में, इसलिए ये वाला चीज़ देखो वो पुराना बता रहा है। तुम्हारे पहले से लेना, अगर अल्हम्दुलिल्लाह सेम है तो चल रहा है, तो चल दे, नहीं चलते तो क्या, तो बात उसी करना पड़ेगा। रात में तो उसको ही होने चलेगा, नहीं चला मुश्किल में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।
फ्रेंड्स टीवी का रिमोट मिल गया है फाइनली, और जो पुराना वाला था सेम वो यहाँ पर के पास था इसलिए मिल गया। रास्ते में मैं तो बता के गया था तो बोला कि ये ले जाओ ये काम करेगा, उस टीवी का नंबर वंबर बता के ले गया था, उसका फ़ोटो भी लेके आया था। अब जो पुराना वाला मेरा रिमोट था सेम उसी तरह मिल गया है और फाइनली अब चलते हैं घर पे। आई होप ये काम करे उस टीवी में, तो अगर काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिटर्न करने वापस आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं जो है कि अपने लिए दवा लेते हैं और तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल और हम उसको दिखाते हैं। ये रहा हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और फ्रेंड्स चलिए गाड़ी को हम कर दिए हैं पार्क और चलिए अब चलते हैं अंदर और लेते हैं दवा। هذا ياخذ انا الطابه بس انا ياخذ طابه 2 يوم 4 يوم بعد انا يجي اجازه ولا لا لا يعني انا ما في كنت ما يصير तो फ्रेंड्स मैंने दवा ले ली है और ये 3 दवा मुझे दी गई है। एक ये सिट्रिजिन करके है, सिट्रिजिन है और ये कफ सिरप है और एक ये पैरासीटामॉल है, पेंड्रिक पैरासीटामॉल। तो देखते हैं आराम होता है कि नहीं। फ्रेंड्स मैंने अवॉइड कर रहा था 2-3 दिन से मैं कि दवा नहीं लेते हैं, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन भर तो ठीक है लेकिन शाम के समय में इतना ज़्यादा खांसी और नाकों की सारी बंद हो जा रही थी। तो 3 दिन तो मैंने देख लिया, फिर उसके बाद क्या कहा कि आज दवा चल के नहीं लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत है, फिर यहाँ पे ड्यूटी भी करना रहता है तो दिक्कत है, इसलिए दवा ले लिया आज। और फ्रेंड्स अब रिमोट का भी हो गया और दवा भी ले लिया अपना। चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप पे और भराते हैं पेट्रोल। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप और अब भराते हैं यहाँ से पेट्रोल, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या प्राइस का मिला है पेट्रोल हमें। यहाँ पर जर्नली 3 प्रकार के जर्नली क्या 3 प्रकार के ही पेट्रोल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर 3 टाइप के पेट्रोल मिलते हैं, एक प्रीमियम, एक सुपर, एक अल्ट्रा सुपर। प्रीमियम 85 फिल्स लीटर मिलता है और सुपर 105 फिल्स लीटर और अल्ट्रा सुपर 285 फिल्स लीटर मिलता है। तो और मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म है और मैं भराऊंगा बीच का सुपर भराऊंगा जो कि 105 फिल्स लीटर है और मैं वही भराता हूँ हमेशा, थोड़ा सा अच्छा होता है। और फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इंडिया का कितना प्राइस होगा।
और फ्रेंड्स जो मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ की करेंसी के बारे में बता दूँ, अपने यहाँ एक रुपये में 100 पैसे होते हैं 100 पैसे, लेकिन यहाँ पर एक दिनार में 1000 फिल्स होते हैं सेंट वही, तो एक दिनार में 1000 पैसे होते हैं। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो 85 पैसे है एक लीटर का, और इस समय एक दिनार का लगभग इंडियन करेंसी में चल रहा है 250-255 रुपए के लगभग एक दिनार, तो 85 पैसे का हो गया मतलब सब मिला जुला के 22-23 रुपए के लगभग लीटर है प्रीमियम, और थोड़ा सा और ऊपर जो कि जाएंगे 30-32 रुपए के लगभग सुपर, और फिर अल्ट्रा सुपर तो काफ़ी महंगा है, उससे 3 गुना मान लीजिए वो 80-90 रुपए लीटर। तो यही है और चलते हैं आगे, तो फ्रेंड्स चलते हैं अब पानी भी लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि एक पानी पेट्रोल जो प्रीमियम जो भरा है मैं 85 पैसे लीटर है, और जो पानी ले रहा हूँ वो कितना पैसे लीटर है। यहाँ पे ये भी मायने रखता है फ्रेंड्स कि आप पानी में कि कौन सी कंपनी का पानी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, अगर छोटी मोटी कोई शॉप से लेंगे तो एक पानी का बोतल आपको पड़ जाएगा जो है लगभग 25-26 रुपए का, और आधे लीटर का पानी का बोतल पड़ जाएगा 25-26 रुपए का अगर छोटी दुकान से आप लेते हैं तो, और अगर सुपर मार्केट से लेते हैं तो एक बोतल का एक लीटर वाले का पड़ जाएगा वही 100 फिल्स 100 फिल्स के लगभग या उससे भी थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि पानी से भी सस्ता है, लेकिन हाँ उसके बराबर में पानी है, उसके बराबर में मिलता है। तो अगर हम लोग कभी कभी ऑफर लगा रहेगा पानी अगर कार्ट में कार्टून में लेंगे तब तो सस्ता पड़ जाता है, और तो रुपा दिनार का यानी 250 फिल्स का 6 पीस मिलता है जो कि 1.5 लीटर की बोतल रहती है, तो कितना हो जाएगा 6 = 1.5 9 लीटर 250 फिल्स में। तो यही हिसाब किताब है फ्रेंड्स, और चलिए सुपरमार्केट में और आपको दिखाता हूँ कि एक लीटर का बोतल तो नहीं आता है, 1.5 का आएगा या 1.25 का आएगा, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितने का मिलता है और क्या हिसाब किताब है। ये बीसी का पानी का बोतल है, और चलिए देखते हैं कि कितना इसका होता है। ये मैंने ले लिया है एक बॉटल पानी जो कि 1.5 लीटर का है, इसका अब प्राइस पड़ा है 110 फिल्स। अगर इसका 1 लीटर का प्राइस निकालेंगे तो लगभग में 73 या 74 फिल्स पड़ेंगे इसका प्राइस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखिए इंडिया का क्या रेट चल रहा है, एक दिनार का इंडियन रुपीज़ में 264.79 रुपये चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग को बताया था 110 फिल्स लीटर है पेट्रोल सुपर, तो 110 फिल्स का जो है लगभग में 27.80 रुपये आ रहा है, तो 27.80 रुपये लीटर पेट्रोल सुपर है यहाँ पर। और फ्रेंड्स अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि पानी का क्या प्राइस है, पानी का जैसे कि मैंने बताया था जो है कि 1.5 लीटर का 110 फिल्स का पड़ा था, तो 110 फिल्स का पहले देख लेते हैं 1.5 लीटर का कितना हो रहा है, 29.13 रुपये। तो हम लोग को 1 लीटर का प्राइस निकालना है, तो 1 लीटर का प्राइस भी देख लेते हैं, लगभग में 73-74 फिल्स पड़ेगा जो है 1 लीटर पानी का, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 73, तो 19.33 रुपये लीटर पानी है। तो इस हिसाब से तो पानी सस्ता हुआ है, लेकिन फ्रेंड
यहाँ पर जो है कि ये पानी के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि पानी कैसा है। और अगर यहाँ पे छोटी किसी दुकान से हम एक लीटर का आधे लीटर का भी बोतल लेते हैं पानी का, तो लगभग में 100 फिल्स का पड़ जाता है, तो 27-27 रुपये का लगभग पड़ जाता है। तो और पानी के क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का पानी ले रहे हैं उस हिसाब से। और कभी कभी तो ज़्यादा सस्ता भी पड़ जाता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, कोई इकोफेना या ABC टाइप की कंपनी का कोई पानी लेंगे नॉर्मल, तो और भी सस्ता पड़ जाता है। तो यही है फ्रेंड्स, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर पेट्रोल से सस्ता पानी है, तो ये कहना एक तरह से सही है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं रूम पर और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।